खबर बिहार के किशनगंज से, जहां महानवमी एवं विजयदशमी को किशनगंज के रुई धासा टाउन क्लब तथा मनोरंजन क्लब में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा। बताया जा रहा है कि वहां के पूजा पंडालों की सजावट पश्चिमी बंगाल के कारीगरों की झलक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि किशनगंज जिला संप्रदाय सौहार्द तथा हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं प्रोफेसर सज्जल ने बताया कि किशनगंज में 1903 ईस्वी से बड़ी कोठी में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1950 में मनोरंजन क्लब में शुरू हुआ, तब से आज तक पूजा पंडालों की भव्य नजारा देखने को मिलता है। बहरहाल असामाजिक तत्वों के परिंदे पर न मार सके, इसके लिए सुरक्षा कर्मी जगह जगह चाक चौबंद है। सबसे पहले बड़ी कोठी में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी किशनगंज में। दुर्गा पूजा की शुरुआत किशनगंज में 1903 ईस्वी में दुर्गा बड़ी कोठी में शुरू हुई। उसके लगभग 47 साल बाद 1950 में मनोरंजन क्लब दोस्वारा समिति के प्रांगण में दुर्गा पूजा शुरू हुई, और उसके बाद से ही ये भव्य सजावट और पूरी आस्था और पूरी भक्ति के साथ जो परंपरा शुरू हुई हमारे वहाँ, वो मनोरंजन क्लब दुर्गा पूजा समिति की पूजा है। और इसके साथ ही इसके बाद ही किशनगंज शहर में दूसरे जगहों पर सार्वजनिक तौर पर इतने भव्य तरीके से पूजा की शुरुआत अगर कोई किसी ने की है तो वो पहले मनोरंजन क्लब दुर्गा पूजा समिति। इसलिए हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे इस विशाल प्रांगण में शहर के कोने कोने के अलावा पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती पूर्णिया, अमौर या फिर कटिहार जिले के भी जो लोग हैं बारसोई के, वहाँ से भी भक्तजन आते हैं सुबह से।